नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। हर बार की तरह शुक्रवार को मिलेगी वीडियो आपके सवालों के जवाब की। तो सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है अमित गुजर का, कि उन्होंने बोला कि मेरी तुलसी बिल्कुल सूख गई है, एक भी पत्ता नहीं बचा, प्लीज़ रिप्लाई द मैसेज। तो देखिए, जो मैंने तुलसी लगाई थी वो भी इस बार सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी, तो वो भी सूख गई बिल्कुल। तो लेकिन वो दोबारा से हरी हो भी गई है। अभी थोड़े से पत्ते और आएंगे तो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी भी कि वो तुलसी दोबारा से हरी हो गई है। क्योंकि ये अपने अपने मन के भाव है। तुलसी बिल्कुल पूरे तरीके से सूख चुकी थी, तो मैंने ऊपर से थोड़ी थोड़ी उनकी छटाई कर दी, यानी कि उनको काट दिया, और जो उसकी जड़ थी वो मैंने मिट्टी में ही रहने दी। लेकिन मैं सुबह जरूर बोल कर आती थी कि तुलसी जी को कि आपको हरा होना ही होना है, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसलिए आपको आना ही होगा। तो ये मेरे अपने भाव हैं। तो वो तुलसी वाकई दोबारा से हरी हो गई है, उसमें कहीं कहीं पत्ते आने लग गए हैं। तो अगर वो डंडी है बिल्कुल सूख गई है, कि जैसे एकदम तोड़ रहे हैं तो लकड़ी की तरह टूट जाती है, तो वो हरा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी देखें, अगर उसकी डंडी हरी है तो रोज़ आप तुलसी जी के पास जाएं और बोले कि आपको ठाकुर जी के लिए दोबारा से आना ही होगा, तो आप देखेंगे कि जो आपकी तुलसी है वो दोबारा से हरी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है अजय कुमार का। इन्होंने पूछा कि असली शालिग्राम का पता कैसे करें। तो देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता कि असली शालिग्राम का कैसे पता लगाया जाता है। हाँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपके जो भाव हैं वो असली होने चाहिए। तो जो भक्त धन्ना जट थे, उन्होंने तो एक पत्थर को ही अपना ठाकुर मान लिया था, तो उनको तो उनमें ही भगवान नजर आ गए थे। तो आपके भाव असली होने चाहिए, ना कि शालिग्राम जी। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का। उन्होंने पूछा कि कृपा कटाक्ष के बारे में बताएं, क्या हम उसे डेली पढ़ सकते हैं, और प्लीज़ डाइट प्लान भी बताएं। तो आप जो राधा रानी का कृपा कटाक्ष है वो आप डेली पढ़ सकते हैं। वो संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे पढ़ें। वैसे जब आप हिंदी में पढ़ेंगे, आपको जब उसका मतलब समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और थोड़ा शुद्ध भी पढ़ा जाएगा। बाकी आपने पूछा कि डाइट प्लान के बारे में, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि डाइट प्लान के बारे में बताऊँ, और थोड़ी सी जो योगा से रिलेटेड वीडियोस हैं वो बनाऊंगी थोड़ा, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। और जो डाइट प्लान के बारे में आपने बोला है कि बताएं, तो वो थोड़ा अभी टाइम लगेगा मेरे को बताने में, क्योंकि हर बॉडी का, हर किसी के शरीर का अलग अलग हिसाब होता है। तो वो मैं बताऊंगी कि आप खुद अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं, तो जल्दी ही मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। फिर क्वेश्चन है निमेश रॉक्स का। आप उन्होंने कहा कि आपने अपने चैनल का नाम चीको क्यों रखा। तो मैंने अपने चैनल का नाम चीको इसलिए रखा क्योंकि जो मेरा निक नेम है वो चीको है, इसलिए मुझे चीको रेसिपीज ही लिखना पड़ा। और बाकी कईयों ने ये भी पूछा कि मैम आपने चीको रेसिपीज क्यों लिखा, क्योंकि जबकि अध्यात्म पे भी है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चीको रेसिपीज़ पहले मैंने जो वीडियोस बनानी शुरू की थी खाली रेसिपीज़ की ही बनाती थी। फिर मैं थोड़ा जब मेरे घर में ठाकुर जी आए उन पर बनाने लगी। तो देखिए, जो रेसिपीज़ होती है वो खाली पेट के लिए नहीं होती, वो हमारे पूरी बॉडी के लिए भी रेसिपीज़ हमें चाहिए, हमारे सोल को भी चाहिए, हमारे जो दिमाग है उसको भी रेसिपीज़ चाहिए, यानी कि हमारा जो पूरा ओवरऑल बॉडी है उसको रेसिपीज़ चाहिए ही चाहिए, आध्यात्मिक भी, खाने के लिए भी, और हमें जो हम वर्कआउट करते हैं वो रेसिपीज़ भी हमें चाहिए ही चाहिए। फिर क्वेश्चन है रिंकू सोई का कि ठाकुर जी को शंख से स्नान करवाना ज़रूरी है। तो देखिए, ठाकुर जी को ज़रूरी नहीं है कि शंख से स्नान करवाया जाए। अगर आपके पास है तो आप करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्पेशल से शंख लेकर आए फिर ठाकुर जी को स्नान करवाएं। फिर क्वेश्चन है दीपक टंडन का कि पुराने कपड़ों का क्या करते हैं। मैं बार बार आपको बताती हूँ हमेशा कि पुराने कपड़ों का, और भी काफ़ी ने पूछा है, काफ़ी लोगों ने पूछा है
कि पुराने कपड़ों का क्या करते हैं, आपके गोपाल जी कितने साइज के हैं, और क्या जो पीतल के गोपाल जी हैं उनको हम ब्लैक पेंट कर सकते हैं। तो मैं इन सब के जवाब हर बार ही देती हूँ। पुराने कपड़ों का जैसे फट जाते हैं, लेसिस ख़राब हो जाती हैं, तो आप उन कपड़ों को या तो कोई कच्ची मिट्टी घर के आसपास हो वहाँ दबा दें, या आपके घर में जैसे गमला है कोई खाली पड़ा हो उसकी मिट्टी में दबा दें। बाकी जो मेरे पास गोपाल जी हैं वो 4 नंबर के हैं, और अगर आपके पास पीतल के गोपाल जी हैं तो आप उनको पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें घर पर पेंट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनके अंदर वो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट से जो गोपाल जी ब्लैक कलर के मिलते हैं उन पर कोटिंग की होती है। फिर क्वेश्चन है बिंदु यादव का कि मुझे आपकी ड्रेस अच्छी लगती है, क्या ये मारवाड़ी ड्रेस है और कहाँ से लेते हो और कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी जो ड्रेस है, ये आप चाहे लहंगा और जो मैं लहंगा चोली डालती हूँ उसकी बात कर रहे हैं, तो ये मेरी कोई मुझे नहीं पता ये मारवाड़ी ड्रेस है क्या, क्योंकि मैं ये अलग अलग लेती हूँ। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि जो लहंगा होता है वो स्कर्ट है, वो मार्केट में मिलती हैं, वो मैं लेकर आती हूँ। दुपट्टा मैं अलग से परचेज करती हूँ, और जो चोली होती है वो ब्लाउज़ घर में होते ही है, मैचिंग का कोई भी मिल जाता है, क्योंकि मैं कंट्रास्ट में ही पहनती हूँ तो घर में ब्लाउज़ मिल ही जाते हैं। मैं सिर्फ दुपट्टा और जो स्कर्ट है वो लेकर आती हूँ। तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे पास जो लहंगा चोली है या लहंगा की जो ड्रेसेज आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले भी बोला था कि मैम इस पर आप एक वीडियो बनाएं, तो मैं जल्दी ही इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। फिर क्वेश्चन है विनीत का, उन्होंने पूछा कि मेरे पास भी राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है, उन्हें जब मैं कपड़े पहनाता हूं जब वो पीछे से कवर नहीं होते हैं और दुकानों पर भी उन्हें उनके इनर नहीं मिलते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो पीछे से कवर नहीं होते हैं, मैंने भी जो युगल जोड़ी है मेरे घर में, मैंने भी उन्हें नीचे से एक रेड कलर का कपड़ा है उसको मैंने उनके ऊपर लपेटा हुआ है, उसके बाद मैं उन्हें ड्रेसेस पहनाती हूँ। तो आपके पास भी अगर कोई येलो या रेड कपड़ा है, नहीं तो आप कॉटन का एक कपड़ा खरीद कर लाएं और जो ठाकुर जी या राधा रानी है उन्हें रैप कर दें, तो आप वो लाल या जो पीला कपड़ा है उन पर थोड़ा सा बांध दें तो वो पीछे से कवर हो जाएंगे, और जब आप उन्हें ड्रेस पहनाएंगे तो पीछे से आपको लगेगा नहीं कि वो ड्रेस कवर नहीं है। तो अगर मैं वीडियो बना पाई तो नेक्स्ट बार आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने राधा रानी और ठाकुर जी को जो कपड़ा पहनाया हुआ वो किस तरीके से पहनाया हुआ है। फिर क्वेश्चन है ममता शर्मा का कि एकादशी का व्रत कब से शुरू किया जाता है। तो एकादशी का व्रत जो शुरू किया जाता है, कहते हैं कि इसको जब भी शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब से ये व्रत शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं तो ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि व्रत रखना ठाकुर जी के लिए कोई बुरी बात तो है नहीं। तो जो काम हमें कल करना है क्यों ना वो काम आज ही कर लिया जाए। तो अगर कृष्ण पक्ष में भी एकादशी आ रही है मेरे नज़रिए से, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बुरा काम तो है नहीं, ये तो एक अच्छा ही काम है। फिर क्वेश्चन है लक्ष्मी बजाज का कि हमारे यहाँ तुलसी का पौधा होता नहीं है, हर बार सूख जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, ये काफ़ी लोगों के होता है कि उनके तुलसी का जो पौधा है वो टिकता नहीं है। तो देखिए, या तो वहाँ पर धूप और हवा प्रॉपर नहीं आती होगी इसलिए वो पौधा सूख जाता है, लेकिन अगर वो धूप में भी है उसको हवा भी आ रही है तो आप थोड़ा सा तुलसी के पौधे की जो डायरेक्शन है वो चेंज करके देखें। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आप तुलसी पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर तुलसी जी में वो पानी दिया करें, सुबह शाम तुलसी जी में दिया जलाएं, और जो गूगल होती है उसकी धूप भी तुलसी जी को दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में है वो तुलसी का पौधा टिक जाएगा। फिर क्वेश्चन है जय श्री महाकाल कि मेरी उम्र 13 साल की है, क्या मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ। तो देखिए जी, ठाकुर जी की सेवा कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर भाव होने चाहिए। फिर क्वेश्चन है शिवम बैघल का, उन्होंने पूछा कि हमारे घर में 15 इंच की मार्बल की दुर्गा माता की मूर्ति है, तो क्या हम उसे पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तो आपको उसके अंदर पंचामृत में क्या क्या होगा, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, उसके अंदर तुलसी दल नहीं डाला जाता।
तुलसी दल पंचामृत में स्नान करके जब डालते हैं वो सिर्फ विष्णु जी के, कृष्ण भगवान के और लड्डू गोपाल जी के ही करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन है मेहता दैन का कि हमने शालिग्राम जी रखने हैं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें और कुछ बताएं। देखिए अगर आपने जो शालिग्राम जी लेकर आने हैं या तो आप एकादशी के दिन लेकर आएँ या आप उन्हें बृहस्पतिवार के दिन लेकर आएँ, उन्हें घर लेकर आएँ, उनका पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको धूप दीप दिखाएं, आरती करें, तो समझो कि जो शालिग्राम जी हैं उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो गई। फिर क्वेश्चन है मोनिका अरोड़ा का, उन्होंने भी ये पूछा है कि मैं गोपाल जी लेकर आई थी तो उनका जो कलर उतर गया है तो क्या पीतल के हैं तो उनको मैं कलर कर सकती हूँ ब्लैक कलर का। मैं बता ही चुकी हूँ कि आप ना ही करेंगे तो ही अच्छा है। फिर क्वेश्चन है अनिल गोस्वामी का कि मैम सब कहते हैं कि घर में बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, तो देखिए ऐसा नहीं है कि घर में बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, आप अपने घर में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मंडलोई सारिका का कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो कब लेनी चाहिए, कौन से वार को लेनी चाहिए और उसके घर के मंदिर में रख सकते हैं क्या। तो देखिए अगर आप पंचमुखी हनुमान जी लाना चाहते हैं तो आप उन्हें मंगलवार के दिन लेकर आएँ, जैसे अभी हनुमान जयंती आ रही है तब भी लेकर आ सकते हैं और आप उन्हें दिवाली के दिन भी लेकर आ सकते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी को आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं उन्हें वेस्ट साउथ में यानी कि शनि कोण में रखना चाहिए, क्योंकि जो शनि कोण होता है उसमें अगर हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी बैठे रहते हैं तो जो हमारे जो ग्रह है वो शांत रहते हैं। फिर क्वेश्चन है हर्षल सूचक का कि घर में किस साइज के और कौन से धातु की शिवलिंग लाएं, शिवलिंग की पोजिशन क्या होनी चाहिए मंदिर में यानी किस दिशा में होनी चाहिए। तो आप जो शिवलिंग लेकर आएंगे, जैसे आपने अपने घर में जो शिवलिंग लेकर आना है आप पारद का शिवलिंग लेकर आ सकते हैं, मार्बल का भी लेकर आ सकते हैं, स्फटिक का भी लेकर आ सकते हैं। तो जो शिवलिंग का साइज है वो होना चाहिए या तो एक अंगूठे के बराबर हो या एक मुट्ठी के बराबर हो या ये जो एक उंगली होती है इतने बड़े होने चाहिए, इससे बड़े शिवलिंग कहते हैं घर में नहीं होने चाहिए। और जो शिवलिंग का मुख है वो उत्तर की तरफ होता है, जो शिवलिंग के आगे जो जिलैरी सी जो बनी होती है उसका जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो जो शिवलिंग है आपको मंदिर में ही रखना है और मंदिर में जो शिवलिंग का जो मुख होगा वो आपको उत्तर की तरफ ही करना है। फिर क्वेश्चन है कूल परात, उन्होंने पूछा कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं 1 साल से लेकिन उनकी सेवा नहीं हो रही है, बताइए लड्डू गोपाल हमारे घर में 1 साल से है ये सेवा नहीं हो पा रही है क्यों। तो देखिए हो सकता है उन्होंने आपकी सेवा भी लेनी ही नहीं है, जब उनको आपकी सेवा लेनी होगी तो आपका मन अपने आप करने लग जाएगा कि हमें जो गोपाल जी हैं जो ठाकुर जी हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है योगिता का कि उन्होंने बोला कि मेरी तुलसी जाप वाली माला जो है 108 मन के थे उनमें से एक टूट गई है, मैं क्या करूँ। तो देखिए अगर वो माला टूट गई है तो आप जो एक मन का निकल गया उसे आप जोड़ लें, नए धागे में पिरो लें यानी कि बीच में गांठ ना लगाएं, तो वो पूरे तरीके से वो है नई माला बन जाएगी। अगर आपको वो जो मन का है वो नहीं मिल रहा तो आप एक माला जो है वो नई लेकर आए। फिर क्वेश्चन है योगिता का कि मैंने कलश की पूजा की और शुभ को उसमें से नारियल नीचे गिरा, ये शुभ है या अशुभ। तो देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर चीज़ शुभ ही होती है, तो अगर वो नारियल में से पानी या जो भी आप कह रहे हैं वो गिर गया तो ये तो होता ही रहता है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आप सोचिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और अच्छा ही होगा। फिर क्वेश्चन है कान्हा किशोरी का कि छोटे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी आपने कितने रुपीज़ के लिए कहाँ से ली। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं ये कम से कम 22-23 साल पहले मैं लेकर आई थी, तो मुझे याद ही नहीं है कि ये मैं कितने के लेकर आई थी। हाँ साइज़ इनका है 4 या 5 इंच के करीब है, तो जो इनकी प्राइस है वो मुझे नहीं पता। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का कि क्या कोई अपने लड्डू गोपाल को मायके से अपने ससुराल ले जा सकता है।
तो जी बिल्कुल लेकर जा सकता है, अगर आप अपने मायके से ससुराल जा रही हैं तो गोपाल जी हैं उन्हें आप लेकर जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अशोक कुमार का, कि ये क्वेश्चन मैं आपसे काफ़ी बार पहले भी पूछ चुका हूँ पर आप शायद मेरे सवाल अपने देखा नहीं है इसलिए शायद आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माँ शेरावाली की जो मूर्ति होती है उनका पैर किस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि कुछ मूर्ति पीतल की मैंने देखी है उनमें उल्टा पैर सीधे पैर के ऊपर रखा है, और जो मार्बल में मूर्ति होती है उस फोटो में मूर्ति देखें उसमें सीधा पैर उल्टे पैर पर ऊपर रखा हुआ होता है, तो कौन सा प्रतिमा सही है? तो देखिए जो भगवान का रूप है वो हर तरह से सही होता है, ऐसा नहीं कि इस तरफ है तो अच्छा है इस तरफ है तो अच्छा नहीं है। तो आप कोई भी विग्रह लेकर आ सकते हैं, पैर सीधा ऊपर है या उल्टे वाला पैर सीधे के ऊपर है, तो क्योंकि भगवान तो अपने आप में ही शुभ होते हैं किसी भी रूप में आप उन्हें लेकर आए तो आपके पास और आपके घर में वो ही विग्रह आएगा या वो ही मूर्ति आएगी जो आपके लिए शुभ होगी और जो आपके लिए अच्छी होगी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, मैंने सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह आप अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।